कौन छोटा है, एक प्रश्न हर साधक के मस्तिष्क में आता है। डरता रहता है साधक, कहीं हरि को बड़ा मान ले और गुरु को बड़ा न माने, छोटा मान ले तो हरि को बुरा लग जाए, और कहीं गुरु को बड़ा मान ले, इत्यादि कुछ बीमारी जैसे संसार में होती है, ऐसे पैदा होती है कि राधा कृष्ण की भक्ति करो तो जैसे और जिस भाव से राधा कृष्ण की भक्ति करो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी हो, छोटे बड़े की भावना ना आने पाए। वैसे तो ऐसा भी लेख तमाम पुराणों में आया है, गुरु बड़ा है, जैसे रामायण तो आपने पढ़ा होगा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़ा है दास, उनका भक्त गुरु। लेकिन ऐसा नहीं, ये बड़ा जो कहते हैं ये मैं भक्त जना पार्थ, अर्जुन से भगवान ने कहा, जो मेरे भक्त हैं, नते भक्ताश्च मे जना, वो मेरे भक्त नहीं है, धोखा है उनको। मद भक्तस्य जे भक्ता ते मे भक्त तमा मता, जो मेरे भक्त के भक्त हैं वे मेरे सच्चे भक्त हैं। आदि पुराण तमाम शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन इस झगड़े में न पड़ना। नारदी भगवान के अवतार, भक्ति शास्त्र के सबसे बड़े आचार्य, उन्होंने भी कहा, तस्मै तज्जने भेदाभावात्। 41वां नारद भक्त सूत्र। भगवान और उनके भक्त गुरु में भेद नहीं मानना। दोनों एक हैं। ये जो गुरु को बड़ा कहते हैं बार बार, ये इसलिए कहते हैं, भगवान अधिक बोले हैं भागवत वगैरह में, गुरु बड़ा है, भक्त बड़ा है, भक्त बड़ा है, मैं उसका दास हूं। यहां तक कहा है भगवान ने कि अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूजे ये त्यंग्रि रेणु भी, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, क्यों, उसके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, पूये यो मैं पवित्र हो जाऊं, अनंत जीवों के पाप मैं लेता हूं ना, तो भक्तों की चरण धूल से पवित्र हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा से कहा था भगवान ने, दुर्वासा तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, और अम्बरीश क्षत्रिय है, लेकिन भक्त है, वो तुमसे हजार गुना बड़ा है। भक्त के आगे कोई हो, ब्राह्मण हो, धर्मात्मा हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, मैं किसी को नहीं मानता। बड़ा महत्व गाया है भक्त का, गुरु का, लेकिन ऐसा नहीं समझना। एष वै भगवान साक्षात्
प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत सातवें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। ये महापुरुष गुरु ये साक्षात भगवान है, ऐसा मानो, भगवान के बराबर है न मत मानो। ये सबई भगवान साक्षात, यस्य साक्षात भगवति ज्ञान दीप प्रदे गुरौ, ये साक्षात भगवान है।